नमस्कार डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर इज हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। द सब टॉपिक इज क्लासिफिकेशन। वी कैन क्लासिफाई द हेलो एल्केन और डियर आर ऑफ टू टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच एंड सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कितने नंबर ऑफ हेलोजन अटैच है उसके बेसिस पे, और कार्बन एटम का नेचर कैसा है। तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच ऑन द बेसिस वी कैन क्लासिफाई द हेलो एल्केन आर ऑफ फोर टाइप। नंबर फर्स्ट इज मोनो हेलो एल्के, डाई हेलो एल्के, ट्राई हेलो एल्के एंड टेट्रा हेलो एल्के। इन द मोनो हेलो एल्के देयर इज ओनली वन क्लोरीन एटम इज अटैच टू द कार्बन। मोनो वर्ड इंडिकेट वन, सो व्हेन द वन हेलोजन एटम इज अटैच विद द कार्बन दिस इज कॉल्ड मोनो हेलो एल्के। मोनो हेलो एल्के में क्या होता है कि सिर्फ एक हेलोजन एटम एक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए जैसा कि मोनोवर्ड, मोनोवर्ड क्या इंडिकेट करता है वन को, तो एक वन जब एक हेलोजन अटैच हो तो उसको क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन। सेकेंड इज डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन को हमने फर्दर डिवाइड किया है जेमिनल एंड बेसिनल। वी कैन डिवाइड डाई हेलो एल्केन इन टू पार्ट, नंबर फर्स्ट इज जेमिनल एंड सेकेंड इज बेसिनल। जेमिनल में क्या होता है कि दो हेलोजन एटम, एज द वर्ड इंडिकेट डाई, डाई मीन्स टू, तो जब टू हेलोजन एटम अटैच होंगे किस पे, सिर्फ सिंगल कार्बन पे, अगर कोई भी टू हेलोजन एटम अटैच है सिंगल कार्बन एटम पे देन वी कॉल्ड इज जेमिनल। जब जेमिनल को क्या इसकी डेफिनेशन हो सकती है, व्हेन टू हेलोजन एटम इज अटैच विद अ सिंगल कार्बन एटम इट इज कॉल्ड जेमिनल डाई हेलो एल्के। इन द बिस्मथ डाई हेलो एल्के व्हेन द टू हेलोजन एटम इज अटैच विद द एडजेसेंट कार्बन एटम और द नेबरिंग कार्बन एटम दिस इज कॉल्ड बिस्मथ डाई हेलोजन। ओके, बिस्मथ डाई हेलोजन में क्या होता है कि जब भी कोई दो हेलोजन एटम बगल बगल वाले कार्बन पे अटैच हो उसको क्या बोलते हैं, बिस्मथ डाई हेलो एल्के। इन द ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्के व्हेन थ्री हेलोजन एटम इज अटैच इट इज कॉल्ड ट्राई हेलो एल्के। ट्राई हेलो एल्के आर ऑल्सो कॉल्ड हेलोफॉर्म। एग्जाम्पल सी एच सी एल थ्री, दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्लोरोफॉर्म एंड सी एच आई थ्री दिस इज द फॉर्मूला फॉर आइडोफॉर्म। दिस इज कॉल्ड ट्राई हेलो एल्के व्हेन द थ्री हेलोजन एटम इज अटैच विद द कार्बन दिस इज कॉल्ड ट्राई हेलो एल्के। टेट्रा हेलो एल्के एज अ नेम इंडिकेट टेट्रा, टेट्रा इज यूज्ड फॉर द फोर फोर, सो व्हेन द फोर हेलोजन एटम इज अटैच, व्हेन द फोर हेलोजन एटम इज अटैच विद द कार्बन एटम इट इज कॉल्ड टेट्रा हेलो एल्के। जब किसी कार्बन से चार हेलोजन अटैच है तो उसको क्या बोलते हैं, टेट्रा हेलो एल्के। एग्जाम्पल इज सी सी एल फोर, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ट्राई हेलो एल्के एंड टेट्रा हेलो एल्के कंबाइनली कॉल्ड पॉली हेलो एल्के। ये तो ऑन द बेसिस ऑफ हमने किस पे देखा, नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितने अटैच है उसके बेसिस पे। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। जिस कार्बन से हमारा हेलोजन अटैच है, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं थ्री पार्ट में, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। ओके, नेचर कैसा है, प्राइमरी है सेकेंडरी है या टर्शरी उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं। अगर प्राइमरी है, प्राइमरी का मतलब आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जब हेलोजन एटम उस कार्बन से अटैच है जो कि सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो कार्बन है वो एक कार्बन से अटैच है तो उसको बोलेंगे प्राइमरी हेलो एल्केन। सेकेंडरी की बात करें तो जिससे हेलोजन अटैच है वो किस कार्बन से, वो कार्बन किससे अटैच है, दो कार्बनों से अटैच है तो उसको बोलेंगे एक एक कार्बन से अटैच है, एक एक कार्बन से अटैच है तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी हेलो एल्केन।
फिर टर्शियरी में क्या होगा कि जो कार्बन है जिससे हैलोजन अटैच है वो ऑलरेडी 3 कार्बन से अटैच है, तो इसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी हैलोएल्गे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम वी कैन क्लासिफाई इनटू 3 पार्ट्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इन द प्राइमरी हैलोएल्गे द हैलोजन अटैच हैलोजन एटम इज अटैच टू डेथ कार्बन विच इज अटैच विद द सिंगल कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी हैलोएल्केन। इन द सेकेंडरी हैलोएल्केन द हैलोजन एटम इज अटैच विद दैट कार्बन विच इज ऑलरेडी अटैच विद टू अदर कार्बन एटम, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी हैलोएल्केन। इन द टर्शियरी हैलोएल्केन द टर्शियरी हैलोएल्केन द हैलोजन एटम इज अटैच विद दैट कार्बन एटम विच इज अटैच विद द 3 कार्बन एटम, इट इज कॉल्ड ट्राई हेलो एल्के। ओके, नाउ वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई द मोनो हेलो एल्केन इंटू 2 पार्ट, नंबर फर्स्ट इज sp3 हाइब्रिडाइज, नंबर सेकेंड इज sp2 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज इज फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट, एल्काइल हेलाइड, एलाइल हेलाइड, नंबर थर्ड बेंजाइल हेलाइड। एल्काइल हेलाइड, इन द एल्काइल हेलाइड क्लोरीन एटम इज अटैच विद दैट कार्बन एटम विच इज sp3 हाइब्रिडाइज। स्टूडेंट, वे मोनो हेलो एल्केन को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। sp3 हाइब्रिडाइज को हमने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि क्लोरीन एटम उस कार्बन एटम से अटैच है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। हमें 11th क्लास में पता है कि कार्बन एटम जब सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, इन द एलाइल हैलाइड, एलाइल ग्रुप किसको बोलते हैं कि जब कार्बन एटम उस कार्बन से अटैच है जो कि डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच है तो उसको क्या बोलते हैं, एलाइल हैलाइड। इन द एलाइल हैलाइड एलाइल हैलाइड ग्रुप किसको बोलते हैं, द कार्बन एटम इज अटैच विद दैट कार्बन विच इज ऑलरेडी अटैच विद द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, दिस इज कॉल्ड एलाइल ग्रुप। एग्जाम्पल देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl, इन दिस इज कॉल्ड एलाइलिक क्लोराइड। इन दिस क्लोरीन एटम इज अटैच विद दैट कार्बन विच इज sp3 हाइब्रिडाइज, एंड द क्लोरीन एटम इज अटैच विद दैट कार्बन विच इज ऑलरेडी अटैच विद द डबल बॉन्ड कार्बन एटम। ठीक है स्टूडेंट, एलाइल हैलाइड एलाइल ग्रुप क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एलाइल ग्रुप, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एलाइल ग्रुप एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एलाइल हैलाइड। इसमें जो कार्बन जो हैलोजन एटम है वो उस कार्बन से अटैच है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इन द बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड में क्या होता है, इसका एग्जाम्पल देखिए, इन द बेंजीन रिंग, हमें पता है कि बेंजीन रिंग में कार्बन एटम डबल बॉन्डेड है, इससे जब कोई भी कार्बन अटैच है या साइड चेन है या सब्स्टिट्यूट चेन है उससे जब हैलोजन अटैच है तो उसको हम बोलेंगे बेंजाइल हैलाइड। इन दिस कंपाउंड देयर आर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इज सेवन एंड द कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सो मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन इज फर्दर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, sp3 एंड sp2। sp3 हाइब्रिडाइजेशन को हमने फर्दर डिवाइड किया 3 पार्ट में, एल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल मतलब कि इसमें जो कार्बन है उससे जो हैलोजन अटैच है वो कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। एलाइल हैलाइड, एलाइल ग्रुप को क्या बोलते हैं, ऐसा कार्बन जो कि इससे अटैच है उस कार्बन से अटैच है कि जो डबल बॉन्ड से अटैच है, द कार्बन विच इज अटैच विद दैट कार्बन विच इज ऑलरेडी अटैच विद द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, दिस इज कॉल्ड एलाइल ग्रुप। इन द एग्जाम्पल वी सी दैट हैलोजन एटम इज अटैच विद द कार्बन विच इज sp3 हाइब्रिडाइज एंड दिस कार्बन इज अटैच विद द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। ओके, इन द बेंजाइल हैलाइड वी सी द बेंजीन रिंग इज अटैच विद द
कार्बन द हेलोजन द हेलोजन एटम इज अटैच विद दैट कार्बन विच इज अटैच विद द बेंजीन रिंग. हियर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड द नंबर ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड इज टोटल 7. ओके स्टूडेंट, दिस इज दैट ऑन द बेसिस क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज. नाउ वी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन. वी कैन क्लासिफाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन is vinyl halide and aryl halide. In the vinyl group is represented by the CH2CH and the free valence. See? So the in the vinyl halide the halogen is atom is attached with the carbon which is sp2 hybridized. See the example CH2 double bond CH single bond Cl. Here the halogen atom is attached with that carbon which is double bonded and the hybridization of this carbon atom is sp2 hybridized. The difference between the vinyl halide and the aryl halide is in the vinyl halide, the halogen atom is attached with the carbon, which is double bonded. And in the aryl halide, the halogen atom is attached with that carbon, which is already attached with the double bonded carbon. And the one more difference is, in the aryl halide, the carbon atom is sp3 hybridized. And in the vinyl halide, the carbon atom is sp2 hybridized. In the aryl halide, the halogen atom is attached with that carbon which is already attached with double bond. Here the hybridization of this carbon is sp2 hybridized. The difference between aryl halide is also called haloaryl. This is the as the name indicate, we have studied in this chapter. In the difference between aryl halide and the benzyl halide is, the aryl halide, the halogen atom is attached with that carbon which is sp2 hybridized. In the benzyl halide, the halogen atom is attached with the sp3 hybridized. अगर हम बात करें sp2 hybridization की, तो इसको हमने further divide किया है vinyl halide में and aryl halide में. Vinyl halide में क्या होता है, इसका जो vinyl group है उसको represent करते हैं CH2 double bond CH. अगर हम difference की बात करें vinyl halide और aryl halide में क्या difference है, तो aryl halide में जो carbon atom है वो sp3 hybridized है और in vinyl halide में जो carbon atom है वो sp2 hybridized है. और aryl halide में क्या होता है, halogen atom उस carbon से attach होता है जो कि already with टू कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है. और यहाँ पे अगर विनाइल हैलाइड की बात करें तो हेलोजन एटम अटैच है उस कार्बन से जो कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच है. और फिर हमने इसको डिवाइड किया एराइल हैलाइड में. एराइल हैलाइड को ही हम हेलोएरिन बोलते हैं जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. दिस इज अ टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर. ओके, एराइल हैलाइड में जब हम उस कार्बन से, हमें पता है बेंजीन में डबल बॉन्डेड कार्बन रहते हैं और उससे अगर हेलोजन अटैच है कार्बन से, तो कार्बन के बाद अगर डबल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन. और एराइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड में डिफरेंस ये है कि हेलोजन एटम उससे अटैच रहता है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और बेंजाइल हैलाइड में हेलोजन एटम अटैच होता है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. ओके, नाउ स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू अवर लेक्चर. वी विल स्टडी फर्दर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, नोट इट डाउन ऑन इन द कॉपी.